इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम की। ऑडियो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर आपने देखा हो कहीं पर, जिस तरह के प्रीमियर में हम यूज़ करते थे, अगर अपना वेव फॉर्म मीटर हमें नज़र आते थे हमारे राइट पे स्क्रीन के, तो जो भी लेवल था वो उसको शो करता था, तो बेसिकली वो लेवल के लिए वेव फॉर्म हमें नज़र आती थी। उसके अलावा अगर आपने कभी नोट किया हो कि जो बात हो या फिर कोई म्यूज़िक हो उसके हिसाब से आपकी ऑडियो का स्पेक्ट्रम इस तरह से मूव हो रहा हो, तो ये आप खुद आफ्टर इफेक्ट में इसको क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं और किस किस तरीके से हम इसको डिफरेंट पाथ दे सकते हैं या फिर इसको मोल्ड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने इस वक्त ऑडियो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बना के देखना था, मेरे पास एक इमेज है जिसको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। इस लेयर को हम लॉक कर दें क्योंकि एज इन लेयर यहाँ पर ये कंपोजिशन में है। ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू में जाके सॉलिड लेयर ऐड करूँगा, कोई भी कलर की हो, नाम उसका आप देख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम इसको कर देते हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम। और इस पे ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें इफेक्ट में जाके जनरेट, और ये आपके पास ऑडियो स्पेक्ट्रम, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने दो पॉइंट यहाँ पर, एक ये पॉइंट और एक ये इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी। इफेक्ट्स कंट्रोल में हम जाके इसको वो ऑडियो असाइन करेंगे जो हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, जिसके साथ ये सिंक होके बेसिकली उस ऑडियो के अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। तो यहाँ से हम इस ऑडियो को भी, जो भी ऑडियो अब यूज़ करना चाहते हैं, वो डायलॉग हो सकता है, वो कोई म्यूज़िक फाइल हो सकती है, किसी भी तरह की ऑडियो हो, तो उसको भी आपको यहाँ पर कंपोजिशन में रखना पड़ेगा नीचे। और फर्दर उसके बाद आप अपनी ऑडियो स्पेक्ट्रम वाली लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल में जाके यहाँ पर आप इसको बेसिकली असाइन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ इफेक्ट यहाँ पर ये अप्लाई हुआ हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर ऑडियो लेयर की ऑप्शन है, आपने जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो भी आपकी ऑडियो फाइल जिसके साथ आप इसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज कराना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरह ये मेरा ट्रैक है यहाँ पर जो कि ऑलरेडी यहाँ टाइमलाइन पर मौजूद है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें ये मूवमेंट आपको नज़र आई होगी, और जहाँ पर मेरा ये प्ले हेड है उसके हिसाब से ये इसको मूव कर रहा है, और ये इसने ऑडियो स्पेक्ट्रम यहाँ पर एक क्रिएट कर दिया है, एक बड़ा बेसिक सा बन गया है। अभी इसकी फर्दर सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, और अगर मैं इसको प्ले करूँ इस वक्त तो आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं जो कि इस म्यूजिक के अकॉर्डिंगली होगी। और फर्दर आप इसकी वो देख सकते हैं नीचे फर्दर सेटिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे आप इसकी मैक्सिमम हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस वक्त इसकी हाइट जो मैक्सिमम जा रही है वो आप इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये इसकी म्यूज़िक के हिसाब से ये जितना ये ऊपर वाला एरिया है बेसिकली उतना वो बेस वाला एरिया है। जिस तरह मैक्सिमम हाइट आपने इस वक्त 1850 दी हुई है, तो आप इसको अगर कम करना चाहें कम कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली बाकी वो उसके साथ मैनेज होंगे। फ्रीक्वेंसी बैंड्स मतलब आप देख सकते हैं कि इस वक्त के बीच में जो गैप है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऐड कर सकता है। जिस तरह के बैंड्स आपके पास 20, 30, 40 नॉर्मल इक्वलाइजर में होते हैं, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ये और ऐड होए जा रहे हैं। थिकनेस आप इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये इस वक्त और थिक हो गया है। सॉफ्टनेस की भी ऑप्शन है इसमें, अगर आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं या शार्प करना चाहते हैं अब यहाँ से कर सकते हैं। और फर्दर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जौन सा भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए हो, एक इनसाइड कलर है और एक आउटसाइड कलर है। ऑब्वियसली आउटसाइड कलर जो है इसका आप देख सकते हैं कि वो इसका एज अ बॉर्डर यहाँ पे काम करेगा, और उसके बाद आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसको हम थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं, वाइट की तरफ भी लेके जा सकते हैं आप इसको। और फर्दर आपके पास यहाँ पर ह्यू इंटरपोलेशन है, यानी कि ये इसको थोड़ा सा शेड में इस तरह दे देगा डिफरेंट कलर्स के साथ, तो जब ये इवन एनिमेट भी हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ह्यू की भी इंटरपोलेशन है। नहीं तो अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो पे रखते तो इस वक्त ये स्टैटिक कलर है और इसके अंदर बाकी कलर भी मिक्स हो गए हैं, तो आप इसको इस तरह से क्रिएटिवली कलर भी बना सकते हैं। इसके फर्दर नीचे कुछ सेटिंग्स हो रहे हैं, अगर आप इसमें देखें इसका डिस्प्ले ऑप्शन है, डिजिटल है, एनालॉग लाइन है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह की लाइन्स आपके पास आ सकती हैं। एनालॉग डॉट्स हैं, आप डॉट्स भी, ये भी बड़ा क्रिएटिव इस वक्त आप
और फर्दर आपके पास यहाँ पर नीचे साइड ए और बी, जो ऊपर वाला एरिया है वो साइड ए कहलाएगा, जो नीचे है वो साइड बी कहलाएगा। और अगर हमने यहाँ साइड ए सेलेक्ट किया है तो अब ये सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ नहीं करेगी। साइड ए एंड बी में आप देख सकते हैं दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह का रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। साइड ए इस वक्त हमारी प्रेफरेंस है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से, हम इसकी पोजीशन भी, चले हम कह सकते हैं कि हमने इसके पॉइंट्स को भी इसके साथ एडजस्ट किया हुआ है। और फर्दर आप देख सकते हैं कि कुछ और सेटिंग्स जिस तरह थी मेरे पास, एंड फ्रिक्वेंसी थी, अगर मैं इसको कम कर लूँ तो ये आपको और ज़्यादा इस फॉर्म में नज़र आएगा। उसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये इसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद अगर देखें, हम इसको प्रॉपर एक पाथ की तरफ भी, एक शेप की तरफ भी बिल्कुल मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी के ऊपर अगर मैं यहाँ पर अपना पेन टूल लूँ, पहले बेसिक सा, मे बी हम इसको यहाँ पर इस शेप में, तो आपने एक मास्क ऐड कर लिया है। और यहाँ पर आपके पास इस पाथ में ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पर मास्क वन सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल उस पाथ के हिसाब से उसने उसको उस तरफ एडजस्ट कर लिया है और पूरा ही आपका और फर्दर अगर मैं आपको इस पर थोड़ा सा ये दिखाऊं जो कि इसकी वेव फॉर्म है, अगर हम इसको साथ मॉनिटर भी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल उसके साथ ही मूव कर रहा है। जिस तरह के यहाँ पर कम है कहीं पर, फिर जहाँ पर ज़्यादा होती है ऑडियो, तो उसके हिसाब से ही बिल्कुल बड़े अच्छे रिदम में ये इस वक्त मूव हो रहा है। इसको हम यहाँ से प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल म्यूज़िक के साथ, बिल्कुल रिदम में ये इस वक्त ऑडियो स्पेक्ट्रम आपका ऑपरेट कर रहा है। और इसको आप जिस तरह हमने शेप में देखा था, अगर हम इसको और भी चाहें कि बिल्कुल और शेप में भी, और पाथ में देना चाहें, हम दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर कोई डिज़ाइन इस तरह का एलिमेंट था जिसके साथ आपने उसको बिल्कुल सिंक करना है, तो आपके पास स्टार्ट और एंड पॉइंट तो है ही, लेकिन उसके लिए आपको पाथ ख़त्म करना पड़ेगा और फिर आप इसके इन पॉइंट्स को भी इस तरह मूव कर सकते हैं। और फर्दर हम इस पे मास्क वन बेशक डिलीट करते हैं अपना, और हम अब इसको इस शेप में लेकर जाते हैं अपने सर्कल में। अगर हम चाहते हैं इस फॉर्म में ये आए, तो आप एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लें, उसको आप चाहें तो एडजस्ट कर लें ऊपर इस शेप में, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेक्ट्रम हो। अभी तो ये बेसिकली एज अ मास्क अप्लाई कर रहा है, मतलब बाकी चीज़ों को इस वक्त वो रिमूव कर रहा है यहाँ से। आप यहाँ पर पाथ में जब इसको मास्क वन साइन करेंगे तो आप देख सकते हैं उस मास्क के साथ ही बेसिकली ये मूव हो रहा है इस वक्त, सर्कल शेप में आपके पास आ गया। और अभी आप देख सकते हैं कि इसने इस सर्कल के अंदर इसको कर लिया, क्योंकि साइड ए सिलेक्ट है। यहाँ से अगर हम साइड बी कर देंगे तो ये इस वक्त आउटर चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा कट भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस मास्क को इन्वर्ट कर देंगे तो अब आपके पास देख सकते हैं कि उसके साथ बिल्कुल ये सिंक है इस वक्त। और फर्दर अगर आप चाहें तो बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कहीं पर, अगर आपको लगता है कि हाइट आपको कम या ज़्यादा करनी है मैक्सिमम हाइट को। तो ऑप्शंस आपके पास बेतहाशा है, आपने किस तरीके से इसको क्रिएटिवली यूज़ करना है, आपने किसी पाथ के थ्रू करना है, या आपने स्टैटिक देना है किसी बैकग्राउंड के ऊपर करना है, तो आप इसको डिफरेंट पाथ देख के भी और स्टैटिक भी इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कलर्स के साथ और बाकी ऑप्शन के साथ भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसके साथ सिंक और रिदम में उस तरह चलेगा। फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऑप्शन भी आपके पास यहाँ मौजूद हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट वेरिएशन के म्यूज़िक पर ट्राई करें ताकि आपको उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो रिदम है, वो आपको बिल्कुल सामने फिजिकली शो हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी लेक्चर्स में फिर हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।